भाई ऐसे क्रॉस कर रहे हैं उनकी बकरियां, भेड़ बकरियां आराम आराम से। टाइ जाम लगा दिया उन्होंने। दशरथ मां जी तो भाई चलो 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 ऊपर भी मांझी पाने घोड़े टप्पे ना उपर खा लग ने उपर भी आप मांझी करा क्या तुस। ओ भाई कैसा पानी आ रहा है वहां ऊपर से पहाड़ों से, आ मजा ही आ गया। ऐसे भाई सारी भेड़े होंगी पार नदी से इस नाले से यहाँ पे, ये कुत्ता और इनका। शाबाश शाबाश हो, चल कर पार हो जा चल। ओए क्या हुआ है इतना ठंडा है मांझी जी पानी। मांझी जी मांझी जी लख लख बधाइयां तुहानू, बहुत बहुत मुबारकां। तुसी मुंह धोतिया ते हुण तुसी स्मार्ट भी हैंडसम बॉय बन गए। लै 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 मांझी कर रहे हैं क्रॉस नाले को। हे हे पैर भी लगे मांझी साफ करने भाई आज। यहाँ ऐसा ना यहाँ मौसम ठीक है, सरचू में जब भी होते हैं ना लाहौल में परे तो वहाँ नहीं, वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है यार। चलो अब क्या करें, पर मैं पीऊँगा पानी यहाँ पे। मेरा मन भी कर रहा है यहाँ जूते उतारने का, पर मैं उतारूंगा नहीं भाई। तो भाई अभी रास्ते में ही है हम, वो वहाँ पे ना भाई छोटे छोटे कमरे बने हुए जैसे यहाँ पे है और यहाँ जैसे है, तो ये ना बोला यहाँ पे बरसात के टाइम पे लोग जड़ी बूटियाँ निकालने के लिए आते हैं यहाँ पे, पटने के लिए, मैं लगा था बोलने पटने के लिए आते हैं, निकालने के लिए आते हैं भाई। ऐसे इन पहाड़ों में मिलती है जड़ी बूटियाँ, तो वो निकालते हैं लोग, वो डेरा लगा लेते हैं अपना, यहीं पर राशन पानी लेके आते हैं और फिर 20-25 दिन इकट्ठा यहीं पर रहते हैं, फिर निकालते हैं जड़ी बूटियाँ। साइज इलीगल है पर ये लोग निकालते हैं यार, चुप चुप के बेचते होने फिर क्या करते हैं। बट ये गद्दी नहीं है इलीगल भाई, इनके पास होते हैं अपने कागज पत्र पूरे। भाई वहां पे जा रहे हैं इनके घोड़े ना, बहुत घाटी जगह लग रही मेरे को, ऐसे जैसे हल्का सा गिरते हैं ना, तो मुझे लगता है बस बस गिर गए गिर गए। पर ये बोलते हैं बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और भाई बिल्कुल ही मतलब घाटी घाटी जगह है ये। ऐसे देखो ऐसे करके है नीचे को, ये ऐसे ऐसे, मैं डरता हूँ मैं वैसे घाटी से, बट इतना नहीं। दशरथ मान जी जी ऊपर ऊपर से आओ। और क्या बाबा जो खतरों के खिलाड़ी बन रहे होते ना उनको यहाँ ऐसी ऐसी जगह पे लाओ, फिर बताओ उनको कि खतरों के खिलाड़ी क्या होता है, ड्रामेबाजियाँ सारी हो जानी पूरी उनकी। कितना टाइम लगना मान जी यहाँ से रोहतांग के लिए? 5 मिनट आपके, 5 मिनट ऐसे ही, 2-2 घंटे लग रहे हैं और 5 मिनट।
भाई ये बोल रहे हैं, बोला यहाँ से अभी भी 2 घंटे, 2 घंटे तो नहीं, सारे झूठ बोल रहे हैं यार। 2 तो नहीं पर 1.5 घंटा, 1 घंटा लग जाना अभी भी। ओ बाबा बहुत घटी है क्या हो गया? ये घोड़े पहले बहुत काटी जगह से आगे थे ना, आयन है ना इतने अरे लगी मरना रहा है। तो भाई अभी ना ऐसा लग रहा है कि रोहतांग बिल्कुल पास में आ गया हुआ है, और मैं ना छोटी छोटी नालियां क्रॉस कर रहा हूँ, रोहतांग बिल्कुल पास में है ऐसे पता लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ भाई ऐसे इतने गंदे गंदे टूरिस्ट लोग आते हैं ना भाई, मतलब कि और इतना गंद मचा के जाते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको कूड़ा दिखाता हूँ यार यहाँ पे, मतलब क्या करते हैं लोग, इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ आते हैं, इतने मूर्ख, इतने टफर, इतने बेनकारे आदमी आते हैं ना यहाँ पे, ये क्या बोलूँ मैं यार इनको भाई, मतलब क्या यार। ये रोहतांग इधर पास में, यहाँ पास में ही परलीवाल, यहाँ पास में परलीवाल तरफ को सड़क है ना, अब रोड आ गया, और इस तरफ को देखो तुम कूड़ा, ये गिलास फेंके हुए हैं पूरे, ये बोतलें फेंकी हुई हैं, ये बोतलें फेंकी हुई हैं, ये फेंकी हुई हैं, सारे रैपर ही रैपर हैं बोतलें, मतलब और काफ़ी ज़्यादा मतलब गंद पड़ा हुआ है। यहाँ नीचे काफ़ी सारी प्लास्टिक की बोरियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत बुरा हाल है, क्या बोलूँ यार मैं इनको, मतलब मैं तो चाह कर भी इस कूड़े को नहीं उठा सकता यार यहाँ से, एक्सट्रीमली सॉरी, पर भाई मैं फेंक नहीं रहा हूँ, अगर मैं इसको उठा नहीं रहा हूँ, जिन बेनकर्मों ने बदतमीजों ने फेंका हुआ है ना ये, उनको क्या बोलूँ मैं यहाँ पे भाई। यहाँ पे आने वाले हर एक आदमी से ये रिक्वेस्ट है ना कि प्लीज़ प्लीज़, मतलब कि यार तुम ना थोड़ा सा जो कूड़ा लेके आते हो, साथ में खाते पीते हो, रैपर होते हैं, बोतले होते हैं, मत फेंका करो यार, ले जाया करो साथ में यार, मतलब क्यों तुम इतना गंद मचाते हो यहाँ आके। रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों के, हाथ मतलब ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं आगे, आपके पैरों के आगे नतमस्तक हो रहे हैं हम। मेरा क्या मूड, पूरा मूड ख़राब हो गया यहाँ ऐसे देख के, इतना पीछे में जहाँ मैं आया ना पीछे भाई, इस रास्ते से गद्दी लोग आते हैं ना, ये एक रत्ती भी कूड़ा नहीं है यार, इससे अच्छा तो एक गद्दी भीड़ पालक है यार, जो मतलब जहाँ पे रुकते हैं वहाँ एक कूड़ा भी नहीं छोड़ते, मतलब पूरा जला जलो के सब खत्म करते हैं, सिर्फ लकड़ियाँ बचती हैं इनकी, वो इसलिए कि अगली बार आके जलाते हैं फिर इनको ये। और यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है यार, क्या ही बोलें, किसको ज्ञान बांटूं मैं। जबरदस्त मामा जी, वो ले लो इन दोनों, फिर दो दो माओ एक वो ले लो, आए ना तीन तीन नहीं 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 छोटे भाई ऐसे कैसे यार, एक और ले लिया छोटा मेरे इकट्ठे को, जो दो दो देते हैं मैं तो, अपना छोटा भाई है ना। आया छोटू भाई, ये अभी रोहतांग नहीं पहुंचे ना छोटू भाई, हम मतलब यार रोहतांग से थोड़ी सी पीछे की जगह, ये थोड़ी सी बहुत तेज हवा है भाई, यहाँ भैया। नमस्ते, कैसे हैं भैया? ठीक है। अरे भैया बड़ा गंद मचाया लोगों ने, ये पर इतना गंद ही गंद, बोतलें फेंकी हुई है, रैपर रैपर फेंके हुए यार, टूरिस्ट होने यार ऐसे नहीं करना चाहिए ना। अरे गाड़ी में आते हैं जेब में ले जाओ डाल के, पढ़े लिखे लोग आते हैं ना सारे, पैसे वाले आदमी आते हैं, ऐसे तो है नहीं कोई अनपढ़ ऐसे गवार आ रहा कि यार फेंक दिया है कि नहीं। जब जैसे मैं ये लेके आया हूँ रैपर के साथ लेके आया हूँ ना कहीं से, वहीं लेके जाऊंगा फिर से, उनको भी ऐसे करना चाहिए, क्या बोल रहे हैं यार भैया। हाँ प्रबंध करके आओ ना, ड्राइवर को बोलना चाहिए, थैली रखो एक उसमें डाल के ले गए फिर से डिक्की डिक्की में डाल के, तो बोल देते हैं, ले जाते हैं। थोड़ा प्रशासन को भी देखना चाहिए,
बंदे यहाँ पे लाके काम कुम करवा के उठा उठू के डस्टबिन लगा दी, खाली करवा के ले गए। सीजन ही तो होता है, सीजन के टाइम ही आते हैं, ऐसे कौन आता है? किस किस को बोले, किस नहीं बोल सकते भाई यार ज्यादा। तो एक आदमी खुद सुधर जाए ना। तो भाई फाइनली ट्रैक को खत्म करके अपने गद्दी भेड़ पालकों के साथ ही जा रहे हैं छोटू भाई यहाँ पे, और मैं जा रहा रोड रोड से, घोड़े बिन गए रोड रोड से जा रहे हैं। मामा और दशरथ मान जी मैम टी गए आगे, हम निकलेंगे रोहतांग के बिल्कुल टॉप पे। ओ भाई वो देखो तुम उन सामने के पहाड़ों को, यहाँ से सामने के पहाड़ों का देखो बर्फ गजब। तो भाई अभी ना हम पहुंच गए रोहतांग पे, क्या मतलब क्या जबरदस्त जगह है भाई। ओ मतलब वहां से देखो तुम पहाड़ों पे ऐसे धुंध जा रही है, और ये सारी भेड़ बकरियां इनकी, बहुत तेज हवा है यार यहाँ पे। कोई बकरियां इकट्ठी नहीं होती यार इनकी, करना क्या है। एक तो भाई थक गया मैं, मेरे को आवाज लगा लगा के। ओहो ये देखो ये कैसे बड़ा गंद डाला है लोगों ने। छोटू, ओ छोटू को देखो, छोटू भाई, छोटू छोटू पूरा खुश हो गया क्योंकि आज रोहतांग इन्होंने क्रॉस कर रहे हैं ना रोहतांग, आज पूरे खुश हो गए हैं बंदे। आएगी सारी रहता नहीं जाए। तो भाई रोहतांग पहुंच गए हम, ये यहाँ पे एक बना हुआ है इनका गोम्पा बोलते क्या बोलते इसको पता नहीं भाई, ऐसा जैसा व्यू है भाई रोहतांग का, बहुत तेज हवा है भाई, पता नहीं कैसी आवाज आ रही होगी यहाँ पे। और ये अपने गद्दी भेड़ पालकों की सारी बकरियां यहाँ पे। तो भाई अभी हम पहुंचे रोहतांग में, वो जा रहे घोड़े इनकी गद्दियों के, मामा मेरे साथ में, और ये इनकी बकरियां सारी। ये है रोहतांग का एरिया भाई यहाँ पे, और यहीं से हम अगले वाला ब्लॉग करेंगे स्टार्ट, और छोटे छोटे ब्लॉग करेंगे, ज़्यादा लंबे ब्लॉग नहीं करेंगे ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारी ये जर्नी दिखानी चाहिए मुझे इनकी, तो इसलिए हम छोटे छोटे ब्लॉग करेंगे। और हर वीडियो के नीचे पहले वाली वीडियो का लिंक देंगे। बहुत तेज हवा है भाई यहाँ पे, ये जा रहे गद्दी भाई यहाँ पे, सारे सारी बकरियाँ जा रहे, गद्दी भी जा रहे सारे।